हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए, आज मैंने कितना ही खूबसूरत सा ये डोरमैट बनाया है। इस डोरमैट को आज मैंने बहुत आसान तरीके से बना लिया है, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए इस डोरमैट को बनाना शुरू करते हैं। इसे आप वॉशिंग मशीन वॉश, हैंड वॉश, किसी से भी वॉश कर सकते हैं। काफ़ी थिक है, काफ़ी मजबूत है, बहुत ही सुंदर सा बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो आज हम वेस्ट पड़ी हुई चुन्नियों से, यानी कि दुपट्टों से, आज हम बहुत ही सुंदर सा डोरमैट बनाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास ये दुपट्टे हैं, तो इनसे आज हम बहुत ही सुंदर सा डोरमैट बना लेते हैं, जिसे बनाना बहुत आसान है, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक दुपट्टा ले लिया है। अब हम इसमें से स्ट्रैप कट कर लेते हैं। तो ये मैं अंदर के लिए फिल करने के लिए स्ट्रैप को कट कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने दुपट्टे को कट कर लिया है। अब हम इस तरह से इसे फाड़ देंगे। इससे क्या होगा कि ये इक्वल कटता है इस तरह से फाड़ने से। तो ये देखिए, इसको मैंने कट कर लिया है साड़ियों को। तो इसको मैंने पतला कट किया है, यानी कि 4 फिंगर और 2 फिंगर और 6 फिंगर जितना कट कर लिया है। और ये मैंने 2 कट कर लिए हैं और इस तरह से गोले बना लिए हैं। और इसे मैंने थोड़ा ज़्यादा कट किया है, इसको जितना कट किया है उसका डबल मैंने इसे कट कर लिया है। तो अब हम इनको इस तरीके से लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और इसे भी हम इकट्ठा कर लेंगे इसके साथ, जो हमारा दूसरा वाला है उसे भी हम इसी तरीके से इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा करने के बाद अब हम कोई भी धागा ले लेंगे। आप यहाँ पर नॉट भी लगा सकते हैं। अब हम इनको इस तरीके से बांध लेंगे धागे से, इसमें 2-3 बार एठल लगाकर और इस तरह से नॉट कर लेंगे। तो अब हम इससे सरल तरीका कहीं नहीं मिलेगा डोरमैट बनाने का। ना तो हमें इसमें सुई धागे की ज़रूरत है, ना सिलाइयों की ज़रूरत है, ना सिलाई मशीन की ज़रूरत है। इस तरीके से तीनों को पकड़ना है। और जो हमने दूसरा कलर लिया है उसे हम बीच में रखेंगे, जो थिक वाला है हिस्सा है उसे। और यहाँ पर हम इसे किसी को पकड़ा लेंगे या फिर कोई टेप वगैरह ले लेंगे, उससे हम इसे पकड़ लेंगे, यानी कि चिपका देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से इस पर इसे पकड़ लेंगे। अब हमने जो गोले बनाए हुए हैं उनको लेंगे और इस तरह से करना है। ये देखिए, इस तरह से लिया और इसे हम इस तरीके से निकालेंगे और इसे हम ऊपर ले जाकर इस तरह से खींच देंगे। ये देखिए, अब हम दूसरी साइड से लेंगे और इसे भी हम इस तरीके से लेंगे, इस तरीके से खींच लेंगे। एक बार हमें इस साइड से करना है, एक बार हमें इस साइड से करना है। तो ये देखिए, इसी तरीके से हमें पूरी रस्सी को बनाकर तैयार करना है। तो ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए कितनी ही प्यारी लग रही है ये इस तरह से बनते हुए। तो आप इसे दोनों साइड से बना सकते हैं, इस साइड से भी और इस साइड से भी। तो हम इसे इस तरह से सर्कल में बनाएंगे। आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है इस तरह से बना हुआ। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर साड़ी की इस तरीके से बना लिया है। साड़ी में इसी तरीके से जितना भी बड़ा मुझे बनाना था इसे, उतना मैंने इसी तरीके से इसे बनाकर तैयार कर लिया है। ये देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसी तरीके से हमें इसे और बना लेना है, जितना भी हमें बनाकर तैयार करना है। काफ़ी आसान तरीके से ये बन जाता है, बहुत ही प्यारा लगता है इस तरीके का बना हुआ डोरमैट। कुछ नहीं करना,
सिर्फ इसमें इस तरीके से हमें फंदों का एक नॉट करते जाना है। अगर आप इतना ही बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसे कट कर सकते हैं। इससे भी हमारा काफ़ी सही सा डोरमैट बनकर तैयार होगा। तो अब हम लेंगे सुई धागा, इसे सिलना शुरू करेंगे। तो आप कहीं से भी इसे शुरू कर सकते हैं। तो मैं इसे सर्कल में बना रही हूँ, आप इसे ओवल शेप में या फिर किसी और शेप में भी बना सकते हैं। तो मैं इसे सर्कल में बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर नॉर्मल थ्रेड्स ले लिया है, आप इसकी जगह पर बुलन थ्रेड्स भी ले सकते हैं, उससे भी आप इसे बना सकते हैं, सिल सकते हैं, उससे काफ़ी मजबूत हो जाएगा। तो ये देखिए, इस तरह से हम इसे राउंड राउंड में घुमाते जाएंगे और इसे सिलते जाएंगे। बहुत आसानी से सिल जाता है। तो ये देखिए, इसी तरीके से हम इसे और भी बड़ा बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपको इतना ही बनाना है तो यहाँ से हम स्टेप को, जो एक्स्ट्रा स्टेप है, उसे हम कट कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से, और जो ये वाला हिस्सा है उसमें हम नॉट कर देंगे। इस हिस्से को हम इस तरह से फोल्ड करते हुए, इस स्टेप को मैंने कट नहीं किया है, इस तरह से करते हुए थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगे इस तरह से, और इसे हम पीछे की साइड में ले जाते हुए यहाँ पर सिल देंगे। ये देखिए इस तरीके से। जो एक्स्ट्रा है उसे भी कट कर देंगे। तो ये देखिए, इसे मैंने यहाँ तक सिल लिया है। तो अब हम इसे और भी बड़ा और अच्छा सा लुक देने के लिए इसमें हम और भी कलर ऐड कर लेंगे। तो अब मैं इसे इस तरीके से नहीं बना रही हूँ, सेफ्टी पिन से इसमें हम कलर ऐड करेंगे, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो मैंने यहाँ पर ऑरेंज कलर की ये स्ट्रैप ले ली है, और इसे मैंने 4-4 इंची जितना चौड़ा कट कर लिया है। ये देखिए 4 इंची जितना चौड़ा कट कर लिया है। तो अब हम इसे बनाना शुरू करेंगे। तो कहीं से भी हम इसे शुरू कर लेंगे। तो ये देखिए, एक सेफ्टी पिन लेंगे और इसका एक किनारा लेकर हम इस तरीके से सेफ्टी पिन को इसमें अटैच कर लेंगे। अब हमने जो ये देखिए, इस तरीके से ये लूप से बने हुए हैं, यहाँ पर हम सेफ्टी पिन को इसके अंदर इस तरीके से डालेंगे, और जो स्टेप ले रहे हैं उसे हम ज़्यादा चौड़ा लंबा नहीं लेंगे, क्योंकि फिर हमें दिक्कत होगी। तो इस तरह से हमने स्टेप ले ली। अब हम स्टेप को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से, और इसमें एक कट लगा लेंगे इस तरीके से। कट लगा लिया है। अब हम इसे इसके अंदर इस तरह से निकाल लेंगे, तो ये हमारा एक साथ अटैच हो जाएगा और इसे हम बनाते जाएंगे। तो ये देखिए, स्टेप को मैंने इस तरीके से अटैच कर लिया है। अब हम दूसरे लूप में से इस तरीके से निकालेंगे, ये देखिए इस तरह से, इस तरीके के हमें इसमें नॉट करने हैं। ये देखिए, आप एक को छोड़कर एक में भी कर सकते हैं या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं। ये देखिए,
इस तरह से बनाने से इसका लुक भी अच्छा आएगा और ये थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा, यानी कि बिग साइज का बनकर तैयार हो जाएगा। ये काफ़ी थिक बना है और इस तरह से इसकी किनारी बनाने से इसका जो लुक है वो काफ़ी अमेजिंग आएगा। इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। और ये देखिए, इसे बनाना बहुत आसान है। ये देखिए, ये लूफ है, इसके अंदर से हमें सेफ्टी पिन को इस तरीके से निकालना है। इस तरह से निकालते हुए इस तरह से खींच लेना है। देखिए, फर्स्ट रो मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। हम इसी तरह से इसमें और भी रो बनाकर तैयार कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर सेकंड रो बना रही हूँ इसमें। तो देखिए, अब मैं यहाँ पर सेकंड रो बना रही हूँ। इसी तरीके से जितनी भी चौड़ा हमें इसमें बनाना है, बॉर्डर बनाना है, उस हिसाब से हम इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। इसे मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर मैंने इसे नॉट कर लिया है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसे इस तरीके से बांधते हुए यहाँ पर मैंने इसे नॉट कर दिया है पीछे की साइड में। इसे सिकोर हो गया है और बिल्कुल भी मालूम नहीं पड़ रहा है कि मैंने कहाँ से नॉट किया है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने नॉट किया है पीछे की साइड में, बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है कि मैंने कहाँ पर इसे नॉट किया है। और काफ़ी अच्छा सा, काफ़ी थिक सा ये डोरमैट बनकर तैयार हो गया है। इसमें हमने जो किनारी लगाई हुई है उसकी वजह से इसमें चार चांद लग गए हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।